नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ, मेरी गाड़ी 98,000 चल चुकी है। इसकी वजह से पिकअप में प्रॉब्लम आ गया है और इंजन वाइब्रेट कर रहा है। ये सारे इशू हैं ये कार के कैटालिटिक कन्वर्टर्स की वजह से हो रहे हैं। वीडियो में बने रहें और देखें कि कैटालिटिक कन्वर्टर को किस तरह साफ़ किया जाता है। सारी स्टेप डिटेल में बताई जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। मेरी कार 98,400 समथिंग किलोमीटर चली हुई है, आप ऐसे वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसके अंदर थोड़ा पिकअप का इशू है, इंजन वाइब्रेट कर रहा है और लो फ्यूल इकोनॉमी आ रही है। ये सारा जो इशू है कैटलेटिक कन्वर्टर की वजह से यहाँ पे आप लोकेट कर पा रहे होंगे। ये जो नया आता है 23,900 का आता है, इसको आप बोर्ड में से ले सकते हैं। लेकिन ये नया लेना ही क्यों है, अगर हम इसको टाइम से सर्विस कर लेते हैं तो हमारी जो अमाउंट है सेव हो जाएगा और कैटलेटिक कन्वर्टर की लाइफ बढ़ जाती है। आइए इसके बाद देखते हैं कैटलेटिक कन्वर्टर को ओपन कैसे किया जाता है। कैटलेटिक कन्वर्टर को ओपन करने के लिए यहाँ पर हमें बोर्ड्स ओपन करने होते हैं। इसको साफ करने का रीज़न एक यही है कि इसको आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इमेज में हनीकॉम टाइप के छोटे छोटे इसमें होल्स होते हैं। ये एक टाइम के बाद थोड़ा सा ब्लॉक होने लग जाते हैं क्योंकि धुआं इसी के थ्रू पास होता है, इससे एमिशन भी हमारा कंट्रोल रहता है। अगर इसको हम टाइम पे सर्विस नहीं करेंगे तो जो छेद होते हैं छोटे छोटे होल्स हैं हनीकॉम वाले ब्लॉक हो जाएंगे और जो हमारा कैटलाइटिक कन्वर्टर इस तरह से बर्न हो जाएगा। बर्न होने के बाद ब्लॉक होने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए इसको टाइम टाइम पे साफ़ करते रहें। साफ़ करने का जो सही टाइम है 50,000 किलोमीटर के बाद इसको एक बार साफ़ करवा लें। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, हमने सारे स्क्रूज ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे 8 स्क्रू होते हैं, सभी स्क्रूज ओपन कर लिए, ऊपर से ओपन हो गया है। अब जो स्क्रूज बचे हैं हमारे, नीचे 2 स्क्रूज हैं जो मेन कैटालिटिक को मेन साइलेंसर से कनेक्ट करता है। यहाँ पे 2 स्प्रिंग वाले स्क्रूज होते हैं, उसको भी हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा कैटालिटिक है वो इजीली बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो 4 पाइप आप देख पा रहे हैं, चारों पाइप ये एक एक सिलेंडर से जो आउटपुट आ रहा है बाहर उसको कनेक्ट करता है। जो भी धुआं होता है एक एक सिलेंडर का, इसके थ्रू होकते हुए कैटालिटिक से साइलेंसर के थ्रू बाहर जाता है। यहाँ पे देखिए हमने 2 स्क्रू भी ओपन कर लिए हैं, तो इसको हमने ईजिली बाहर निकाल लिया। अब जो प्रोसेस होगी इसके बाद, इसको साफ़ करने की प्रोसेस होगी। इसकी जो हालत है हमारी वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। बाहर आने दीजिए इसको, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। काफ़ी बुरी हालत है इसकी, यहाँ पे कार्बन डिपॉजिट हो गया है। जो आप छेद देख पा रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर होता है। इसके अंदर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से दिखता है अंदर से, क्या हालत है इसकी। ये नीचे की तरफ से दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे अंदर आप जाली देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे बहुत ही छोटे माहिन छेद हैं, इसी के थ्रू जो धुआं होते हुए जाता है और काफ़ी जो हार्मफुल गैसेज हैं यहीं पे बर्न हो जाती हैं क्योंकि एरिया काफ़ी गर्म रहता है इंजन की वजह से। और यहाँ पे गैसेज बर्न होकर फिर प्योर एग्जॉस्ट से बाहर हो जाती हैं एयर। तो यहाँ पे इसको साफ करने का तरीका स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट स्टेप है आप इसका जो नीचे वाला मुँह है उसको आप बंद कर दें। यहाँ पर हमने पॉलीथीन यूज़ की है, उसकी हेल्प से इसको बंद कर रहे हैं। नहीं आप रबड़ भी ले सकते हैं, कोई पुरानी ट्यूब हो उसको भी बांध सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी हम लिक्विड को भरने वाले हैं जिससे कि वो कैटालिटिक जो अंदर का हनीकॉम है वो इजिली सोख हो जाए और उसके बाद जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी डिजोल्व हो जाए। यहाँ देख पा रहे हो थिनर हमने डाल दिया है इसके अंदर, थिनर काफ़ी अच्छा रहता है इसको डिजोल्व करने के लिए। जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं सब डिसॉल्व हो जाएंगी और उसके बाद हमारा जो कैटालिटिक कन्वर्टर है क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको ऊपर तक भर लिया, आप देख पा रहे होंगे। इसको सीधा करके खड़ा कर देंगे, ऑक्सीजन सेंसर्स भी लगाए हुए हैं जिसकी वजह से वो दोनों भी साफ़ हो जाएंगे। 2 ऑक्सीजन सेंसर होते हैं, एक स्टार्टिंग में होता है एक एंड में होता है। अब काफ़ी देर हो गई थी इसको, अब यहाँ पर हम इसको ड्रेन कर रहे हैं। थिनर है जो पेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारा गंदगी निकली है। O2 देख पा रहे होंगे, सेंसर जो है साफ़ हो चुका है। अंदर भी काफ़ी जो हनीकॉम है वो भी काफ़ी साफ़ हो गया है, अब देख पा रहे होंगे अगर।
कैमरे में साफ नहीं दिख पा रहा है, बाकी मैंने देखा था काफ़ी क्लीन हो गया है। बाकी इसको अभी एक स्टेप और बचा है, उससे क्लीन करेंगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारी, उसको हम पेट्रोल से साफ करने वाले हैं। इसको हमने थिनर के अंदर डुबो के रखा है ऑक्सीजन सेंसर्स को, ताकि ये भी अच्छी तरह से साफ हो जाए। ऑक्सीजन सेंसर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ाने में, पिकअप को बढ़ाने में। ये ईसीयू को सिग्नल देते हैं कितना एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन को देना है। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसके अंदर अब हम पेट्रोल डालने वाले हैं, पेट्रोल से इसको साफ करेंगे। सभी जितने भी छेद हैं उनके अंदर हम इसको डाल देते हैं, ताकि जितने भी ये पाइप हैं ये भी साफ हो जाएं, कार्बन जो डिपॉजिट हुआ हुआ है इनके अंदर। ऑक्सीजन सेंसर्स को हमने दोबारा लगा दिया है, ताकि ये भी इसके साथ साथ साफ हो जाएं। पेट्रोल की कार होने की वजह से आप इसको पेट्रोल से साफ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, इसके बाद आपको इसको शेक करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगी पेट्रोल के अंदर। इसको बाद में हम क्लीन कर देंगे। या देखिए इस तरह से आपको काफ़ी अच्छे तरह से हिलाना है इसको। इतना ज़्यादा क्लीन हो जाना चाहिए कि जो एयर है ईजिली पास हो पाए, क्योंकि पेट्रोल भी अंदर से एक तरफ से दूसरी तरफ ईजिली जा पाए। यहाँ पे हम महसूस कर पा रहे हैं कि पेट्रोल ईजिली दोनों तरफ आ रहा है जा रहा है। अब इसके बाद जो हमारी जो थर्ड स्टेप है, पेट्रोल ड्रेन करने के बाद अब इसके अंदर हम डिटर्जेंट का सॉल्यूशन डालेंगे। नॉर्मल डिटर्जेंट के अंदर हमने पानी मिला के इसके अंदर डाला है, ताकि जो भी पेट्रोल और थिनर है वो इजीली रिमूव हो जाए, क्योंकि इसके अंदर अगर पेट्रोल वगैरह रहेगा तो उसके अंदर दोबारा से कार्बन डिपॉजिट होने के चांस रहते हैं। इसलिए हम इसको डीकार्बन करने के बाद कोई भी ग्रीसी ऑयली पार्ट इसके अंदर हम नहीं छोड़ना चाहते। इसके बाद अब आपको इसके अंदर हाई प्रेशर वाटर लगाना होगा। हाई प्रेशर वाटर लगाने के बाद आप देख पा रहे होंगे सारा डिटर्जेंट जो है वो इजीली रिमूव हो रहा है यहाँ से, जो भी अंदर गंदगी थी वो भी साथ साथ निकल रही है। इसको जब तक साफ करते रहना है, जब तक कि सोपी जो वाटर है ये प्योर वाटर में ना कन्वर्ट हो जाए। काफ़ी दोनों तरफ से इसको साफ करना होगा। अभी हम ऊपर की तरफ से इसको साफ कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी पानी क्लीन हो गया है। पहले तो एकदम सोपी वाटर निकला था, धीरे धीरे नॉर्मल वाटर आना स्टार्ट हो गया है। इसको दोनों तरफ से क्लीन करेंगे चारों। अब इसको नीचे की तरफ से भी हम साफ करेंगे, ताकि जो भी थोड़ा बहुत इसके अंदर गंदगी है सारी पानी से निकल जाए। हाँ देखिए अब पानी थोड़ा सा क्लीन आने लगा है। अब इसको दूसरी तरफ से भी एक बार ट्राई करेंगे साफ करने की। दोनों तरफ से अच्छी तरह साफ कर लें। आप देखिए मैंने क्लीन कर लिया। अब देखते हैं इसके बाद अब नीचे से पानी डालने के बाद क्या होता है। ये सभी छेद के अंदर पानी डालेंगे। थोड़ा बहुत डिटर्जेंट रह गया था इसके अंदर, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा बहुत रह गया है। इसको भी साफ कर देंगे। अब यहाँ से लगाने के बाद देखिए इसके अंदर ऑटो सेंसर की तरफ से भी हम इसको लगा रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा कैटलाइटिक है काफ़ी क्लीन हो गया है। इसको अब हम फिट करने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये पूरा क्लीन हो गया है, अब साफ पानी आना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद अब हम इसको हम कार के अंदर फिट करते हैं। ये देखिए कुछ इसकी हालत इस तरह से हो गई। अभी अच्छा हो गया काफ़ी, जितना भी कार्बन डिपॉजिट था वो सब क्लीन हो गया। कैटलाइटिक कन्वर्टर को लगाने का तरीका वैसे ही है जैसे हमने इसको निकाला था, रिवर्स प्रोसेस है। अब कैटलाइटिक को हम फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसका आउटपुट आने वाला है। जब आप कैटलाइटिक को लगाएंगे उसका जब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो साइलेंसर से वाइट कलर का स्मोक आने वाला है। ये हमारे ऑटो सेंसर हैं, काफ़ी क्लीन हो गए हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो ऑटो फिट हो गए हैं और हमारा साइलेंसर और कैटलाइटिक क्लीन हो गया है। यहाँ आपको वाइट स्मोक दिखाएगा, क्योंकि ये वेपर्स हैं पानी के, जो भी थोड़ा बहुत पानी रह गया था वो यहाँ से देखिए इस तरह से निकल रहा है। इसको आपको थोड़ी देर तक ऐसे चलाना है 5-10 मिनट, तो आपका ये क्लीन हो जाएगा। इसके बाद जब मैंने चला के देखा कार को, तो काफ़ी अच्छा पिकअप हो गया था कार का। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।